ओला डॉक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटरूट कैरेट के जूस के हवाले से, क्या फायदे हैं इसको इस्तेमाल करने के, कौन लोग इसका इस्तेमाल जरूर करें और कौन सा टाइम बेस्ट है इसके इस्तेमाल का। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले इसके बेनिफिट से शुरू कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एप्पल बीटरूट कैरेट यानी बीटरूट कैरेट के साथ अगर आप एप्पल ब्लेंड करके लेते हैं तो ये ब्राइट्स के लिए बेस्ट ड्रिंक है, क्योंकि ये स्किन पे एक ग्लो लेकर आता है और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप शादी की तैयारियों में, जैसे कि आजकल शादी का सीजन चल रहा है, अगर आप शादी की तैयारियों में बहुत ज़्यादा थक गए हैं और आपको लगता है कि धूप में फिर के आपका रंग भी ख़राब हो गया है और चेहरे पे जो एक ग्लो ब्राइट्स का दिल कर रहा होता है वो नहीं रहा, तो एप्पल बीटरूट कैरेट का जूस दिन में एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का बेस्ट टाइम होगा अर्ली मॉर्निंग, नहार मुँह खाली पेट अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आयरन लेवल को भी बॉडी में अच्छा करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का पेल कलर सिर्फ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उनको खून की कमी होती है, तो ये आयरन लेवल को बेहतर करेगा। विटामिन सी, विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से स्किन पे भी एक निखार आएगा और बाल भी अच्छे हो जाएंगे। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये लिवर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको फैटी लिवर है या लिवर का कोई और मसला भी है तो आपने बीटरूट कैरेट का जूस दिन में एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको नहार में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो इन बिटवीन मील्स इस्तेमाल करें, यानी नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान। इस केस में अगर आप बीटरूट कैरेट के अंदर एक इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे तो वो बेपना फ़ायदेमंद हो जाएगा। हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि नाइट्रेट्स का एक अच्छा सोर्स है, आर्टरीज को खोलने में, उनकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में ये हमें हेल्प करता है। तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो बीटरूट कैरेट का जूस दिन में एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। नहार मुँह बेहतर है, वरना इन बिटवीन मील्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटी ऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, विच मीन्स कि ये हमें बहुत सारी बीमारियों से, कैंसर से, डायबिटीज से और बेपना बीमारियों से बचाने में फ़ायदेमंद साबित होता है और हमारी कुव्वत मुदाफ़त को भी ये बिल्ड करता है। जो लोग जिम जाते हैं और जिम के बाद उन्हें क्रैम्प्स पड़ते हैं, खलियाँ बढ़ जाती हैं, अगर आप पोस्ट वर्कआउट बीटरूट कैरेट का जूस पीते हैं तो ये क्रैम्प्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया नाइट्रेट का अच्छा सोर्स है तो ये क्रैम्प्स के लिए भी बहुत अच्छा है। हम सब जानते हैं कि गाजर विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स है। इन दोनों चीज़ों में मौजूद बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, विच मीन्स कि वो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों की बिनाई ठीक रहे, आपकी अपनी बिनाई ठीक रहे, तो दिन में एक दफ़ा एप्पल बीटरूट कैरेट या सिर्फ बीटरूट कैरेट के जूस का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अगर आपको बीटरूट कैरेट का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप उसमें चंद पुदीने के पत्ते भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों चीज़ें, बीटरूट भी और कैरेट भी, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। इनको पानी में ब्लेंड करके अगर आप इसकी स्मूदी बनाकर लेते हैं, रात को सोने से पहले लिया जा सकता है या किसी भी मील से बिल्कुल पहले ले लें अगर आप कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देगा और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ओवरऑल भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो गाजर है वो शुगर लेवल्स को बेहतर करने में, शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आप डायबिटिक हैं, दिन में एक दफ़ा बीटरूट कैरेट का जूस नहीं बनाना, स्मूदी के तौर पर इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ना सिर्फ ये कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है बल्कि ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, उनके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट्स दिन में किसी भी टाइम इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। हाँ, अगर आप अर्ली मॉर्निंग इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर रह जाएगा। बिल्कुल मील से पहले ना लें, नाश्ता दोपहर के खाने के दरमियान में अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो बेपनाह फ़ायदेमंद रहेगा। शुक्रिया।